हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 6 जून 2022 की करंट अफेयर की क्लास हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 एन रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर 2 एस कृष्णन, ऑप्शन नंबर 3 एस एल थाउसेन, ऑप्शन नंबर 4 अश्विनी भाटिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एस कृष्णन। बैंक में शामिल होने से पहले कृष्णन सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। इन्होंने जनवरी 1983 में इंडियन बैंक में अपना करियर शुरू किया। नेक्स्ट, हाल ही में सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन नंबर 1 एन रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर 2 एस कृष्णन, ऑप्शन नंबर 3 सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर 4 अश्विनी भाटिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अश्विनी भाटिया। यह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक थे। अगस्त 2020 में इन्हें एसबीआई के एमडी के रूप में पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट, सागरमाला यंग प्रोफेशनल योजना किसके द्वारा तैयार की गई? ऑप्शन नंबर 1 गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 जहाजरानी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 रक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जहाजरानी मंत्रालय। यह मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, नई सोच रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करेगी। शुरुआत में इस योजना के तहत 25 वर्ष से अधिक आयु पेशेवरों को काम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट कहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। इसके 2024 तक कार्य करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य में शुरू होगा? ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। इसे 4 जून से शुरू किया जाएगा। यह 13 जून 2022 तक खेला जाएगा। इन खेलों में करीब 8500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें भारत के 5 स्वदेशी खेलों सहित कुल 25 खेल होंगे। नेक्स्ट, छात्रों का भविष्य तैयार करने के लिए पीएम श्री स्कूल किसके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड सरकार, ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार। देश के कुल 11 लाख सरकारी स्कूलों में 1% को पीएम श्री स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पंडित भजन स्वरूपी का निधन हो गया, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन नंबर 1 संतूर, ऑप्शन नंबर 2 तबला, ऑप्शन नंबर 3 सहनाई, ऑप्शन नंबर 4 गिटार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संतूर। पंडित भजन स्वरूपी एक संतूर वादक थे। इनका निधन 2 जून 2022 को गुरुग्राम में हुआ। इनकी उम्र 74 साल थी।
यह ऑल इंडिया रेडियो में संगीत के पूर्व निदेशक थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संरक्षक थे। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि भूमि सूचकांक किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर वन आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर टू बीएचयू, ऑप्शन नंबर थ्री आईआईएम अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर फोर एनआईटी सिलचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री आईआईएम अहमदाबाद। यह अपनी तरह का पहला भूमि मूल्य सूचकांक है जो देश भर में कृषि भूमि की कीमतों में गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर वन उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर टू उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर थ्री हरियाणा, ऑप्शन नंबर फोर मेघालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन उत्तराखंड। इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नामक टेलीस्कोप भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर वन एस रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर टू एस कृष्णन, ऑप्शन नंबर थ्री एस एल थाओसेन, ऑप्शन नंबर फोर अश्विनी भाटिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री एस एल थाओसेन। यह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यह 21वें नंबर के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं, यानी एसएसबी। एसएसबी की स्थापना 1963 20 दिसंबर को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।